Sony LIV. We live to entertain. Download the Sony LIV app. Pura episode dekhne ke liye Sony LIV app download karein. Sony LIV. We live to entertain. पर इंसान की लाइफ में गेम्स बड़े जरूरी हैं. खेल कूद, आदमी फ्रेश रहता है, ऐसा सुस्त नहीं रहता. अच्छा, पहले तो बच्चे दिन भर बाहर खेलते रहते थे. पता, पहले के जमाने में माँ बाप पीट पीट के अंदर लेके आते, चल अंदर जाके पढ़, चल अंदर जाके पढ़. बच्चे अंदर नहीं जाते थे. आजकल के बच्चे की सिर्फ अंगूठे और मुंह की एक्सरसाइज होती है, पैड पर खेलते रहते ना. वो गेम पे ही लगे रहते हैं कि लेवल क्रॉस करने में. पीछे बाप खड़ा सोच रहा होता है कि ये यहां से बाहर निकले तो मैं अपना लेवल क्रॉस करूं. पहले बच्चे आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे, माँ बाप घर में बैठे रहते थे, इसीलिए बच्चे भी ज्यादा होते थे. लवी डवी. अच्छा, पहले ना बच्चे छुपन छुपाई बड़ी खेलते थे. ये हमारा दिनेश है ना, ये भी छुपन छुपाई बड़ी खेलता है. ये नहीं कि इसका फेवरेट खेल है, अब बंदा उधार ही इतना ले ले. अच्छा, छुपन छुपाई में क्या होता है, जो आदमी छुपा होता है ना, वो ढूंढने वाले के जाके ठप्पा मारता है. इसके गेम में उल्टा है. इसके ना ढूंढने वाला इसके जाके ठप्पा मारता है, वो भी अनलिमिटेड. एक बार तो ढूंढने वाला ना इसका हाथ मरोड़ के इसको बोला था, निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे पैसे. ऊपर से इसके डैडी आ गए तो कहते हैं, पापा ये हमने नई गेम बनाई है, इसमें ना हाथ मरोड़ के कहते निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे पैसे. अगले दिन ना इसके डैडी के बालों से किसी ने पकड़ा हुआ था और वो बोल रहा था निकाल मेरे पैसे. इसने देख लिया, इसका डैडी कहता ये ना हम बड़ों में एक गेम होती है, इसमें बालों से पकड़ के कहते निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे पैसे. अच्छा बाजी, पहले मैं सोचता था कि बड़े लोगों का जो फेवरेट खेल होता है वो गोल्फ होता है, लेकिन विजय माल्या और नीरव मोदी ने बताया कि उनका फेवरेट खेल भी छुपन छुपाई है. अच्छा, गेम्स तो अच्छे अच्छे अब आए हैं हमारे शो में. देखो कितने सारे बलून वाले गेम्स होते हैं. पहले बच्चों को एक ही गुब्बारा मिलता था, वो एक ही गुब्बारे को फुला के खेलते कम थे, शरारते ज्यादा करते थे. एक गुब्बारा फुलाया, अपने दादा दादी के कान में जाके हवा छोड़ देते, दादी डर गई. आजकल की माएं और पहले की माओं में बड़ा फर्क आ गया. कैसे? आजकल की माएं जो है ना बच्चों को डिस्करेज नहीं करती, उनको लगता है बच्चे का मोराल डाउन हो जाएगा, वो बच्चे की तारीफ बड़ी तरीके से करती हैं. देखो अभी इन्होंने 6 साल का ये है, जितना इसके पापा को नहीं आता उससे ज़्यादा मोबाइल तो ये चला लेता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल सब चेक कर लेता है. और पहले माया ना अपने बेटे की तारीफ उनको नहीं, वो सीधी शिकायत करती थी, 12 साल का हो गया है, थोड़े दिन में मूछें आ जाएंगी, अभी तक बिस्तर पर सुसु करता है. इसके तो कपड़ों से ज़्यादा गद्दे सुखाने पड़ते जी, क्या कहें. अच्छा, हर जगह हमारे गेम होती है. शादी में देखो, आप शादी में, शादी के बाद जब दुल्हन लेके आते ना घर में, तो सब घर की जो बूढ़ी औरतें ना एक परात में ना दूध में पानी डाल के वो अंगूठी ढूंढनी होती है सोने की. सारी बूढ़ी औरतें, अब उनका तो इंटरेस्ट है, वो तो बूढ़ी हो चुकी हैं, देखती है भी अंगूठी कौन ढूंढता है. सब अंगूठी ढूंढ रही हैं, सबका ध्यान होता है नहीं कि अंगूठी कौन ढूंढता है, सिवाय दूल्हे के. दूल्हे का हाथ तो भले परात में होता है, वो कमरा ढूंढ रहा होता है. अच्छा, बड़ी मुश्किल से यार सारा खेल वेल खत्म होता है ना रात को 4 बजे, सोने का टाइम आता है ना. बच्चे जो 10 बजे सो जाते हैं, वो 4 बजे कह रहा होता है जो मामा होता है ना दूल्हा, मैं मामी के साथ सोऊंगा. उस समय मामा को बड़ा गुस्सा आता है कि 4 घंटे घोड़ी पे बैठ के कमर टेढ़ी करके गया मैं, तो मामी के साथ तू सोएगा. अच्छा, आप देखना भाई, बड़े घरों के बच्चे होते ना जो 4-5 महीने में एक आध बार गिरते हैं, थोड़ा सा गिर गया ना माई बड़ा, ओ माई बेबी कुछ हुआ तो नहीं बेबी, थोड़ा स्क्रैच आ जाए, बैंडेड फर्स्ट एड लेके आओ. ये वो हमारे जैसे बच्चे तो गिरते रहते, इधर से उठे इधर गिर गए, इधर से उठे इधर गिर गए, कभी बिस्तरे से गिर गए,
गिर गया तो माए ध्यान भी नहीं देती, उल्टा और थप्पड़ मार और गिर नीचे और कर शरारत, कोई जिंदगी ही नहीं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।